फैक्ट नंबर वन, कैमरा हमारा गोल होता है, लेकिन जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो फोटो चौकोर यानी रिक्टेंगल क्यों आता है, कैसे होता है? फैक्ट नंबर दो, कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है, उसे चौकोर क्यों नहीं बनाया जाता है? फैक्ट नंबर वन, क्या कैमरा गोल होने पर भी तस्वीर चौकोर क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है, आज के युग में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन्स अवेलेबल है और सब लोग अलग अलग पोजीशन में अपनी सेल्फी को लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जो हम सेल्फी ले रहे हैं वो उसका कैमरा तो गोल है, लेकिन जो कि सेल्फी जो हम ले रहे हैं वो चौकोर क्यों आता है? तो चलिए हम इसी के बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि हमारे कैमरे की जो लेंस होती है वह तो गोल होता है, लेकिन उसका जो सेंसर होता है वो चौकोर ही होता है, और वो सेंसर ही निर्धारित करता है कि तस्वीर कितने मेगापिक्सल की होगी, और वही सेंसर तस्वीर को डिजिटल रूप देता है, इसलिए तस्वीर चौकोर होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को हम रेजोल्यूशन में नाप सकते हैं। फैक्ट नंबर दो, कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है, उसे चौकोर क्यों नहीं बनाया जाता है? आप कहीं भी देखेंगे कि जितने भी कुएं आज तक पाए जाते हैं, सब कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है? तो चलिए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं कि हर कुआं गोल ही क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुआं गोल बनाने के कई कारण होते हैं। उसमें टेक्निकल कारण यह होता है कि गोलाई से खोदने में आसानी होती है, क्योंकि अगर चौकोर कुआं बनाएंगे तो उसमें कोने बनाने में दिक्कत आएगी, उनके कोने में भी मिट्टी रह जाएगी, इसलिए गोल कुएं में मिट्टी निकालने में भी आसानी होती है। दूसरा कारण यह होता है कि यदि चौकोर कुआं बनाएंगे तो उसमें धंसने का खतरा रहता है। तीसरा कारण यह होता है कि वास्तु के हिसाब केंद्र में रखा हुआ जल चार दिशाओं में नहीं बहना चाहिए, जल का केंद्र एक ही जगह पर रहे, इसलिए कुआं गोल बनाया जाता है, क्योंकि गोलाकार का कोई किनारा नहीं होता है। गोल कुएं में पानी खींचने में भी आसानी होती है और पानी खींचने वालों को बैलेंस बनाने में भी आसानी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पीएफ फैक्ट बायोग्राफी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।